नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन आर्मी का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करेंगे जो कि वुमेन एंट्री आई है सोल्जर जीडी के लिए। तो आपको इसके लिए आना पड़ेगा ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको जेसीओ पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे कैसे आना है सबसे पहले हम वो सीखेंगे। तो आपको गूगल में जाना है और सर्च करना है ज्वाइन इंडियन आर्मी, जैसा कि मैंने सर्च किया। उसके बाद देखिए ये वेबसाइट ओपन होती है joinindianarmy.nic.in। तो इसको आपने ओपन करना है। जैसे आप ये ओपन करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट जो है इंडियन आर्मी की ओपन हो जाएगी, जो कि मैंने अभी ओपन की थी। आप देख सकते हो वही वेबसाइट है सेम। चलिए पहली वाली हम बंद कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वापस आ जाते हैं। और यहां से ठीक है, अब हमें कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जेसीओ पे। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको ओपन होने देते हैं। इसी के साथ जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी क्यूरी है, वो इस वेबसाइट पे आ सकता है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajayaka.in के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, वीडियो के द्वारा भी, और ऑनलाइन अप्लाई का डायरेक्ट लिंक भी यहाँ पे है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है यहाँ पे। चलिए वापस चलते हैं जल्दी से। देखिए अगर आपका अकाउंट है तो आपको लॉग इन करना है, अकाउंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे नए बंदे। चलिए ये फीमेल एंट्री है, फिर से बता दूं वुमेन के लिए। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेट है, तो चलिए मैं स्टेट जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट करता हूं। तो यहाँ पे मुझे आधार, उड़ाई, नन का ऑप्शन है, बट कुछ स्टेट जैसे मैं ले लेता हूं दिल्ली, दिल्ली अगर सेलेक्ट करूंगा तो देखिए आपको नन का ऑप्शन नहीं है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें जाने की जिन लोगों ने अप्लाई किया है या तो वो अप्लाई कर पाएंगे, जिनका आधार कार्ड बन चुका है या तो वो अप्लाई कर पाएंगे। तो फिलहाल बिना आधार कार्ड के हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिनको ये दो ऑप्शन नहीं आ रहे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं जे एंड के स्टेट ले लेता हूँ। आप किसी भी स्टेट से हैं, सेम फॉर्म फिल करना है। तो समझ लीजिए किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा और यहाँ पे एक नंबर दे देगा 13 करके, ये मैंने दिया, और यहाँ पे मैं 68 कर देता हूँ, ठीक है। ये 12 डिजिट का होता है, आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड दे दीजिएगा बस। चलिए उसके बाद देखिए कैंडिडेट नेम है, तो यहाँ पे एक अच्छा सा हम नाम ले लेते हैं, ललिता कुमारी, कुमार हो गया। चलिए उसके बाद फादर गार्डियन नेम है तो राम सिंह हमने ले लिया। उसके बाद देखिए मदर नेम है तो रानी देवी हम यहाँ पे दे देते हैं। चलिए उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हमें देनी है, तो डेट ऑफ बर्थ हम वो लेंगे जो सबसे आसान हो, है ना। चलिए यहाँ पे ये 2003 नहीं करना हमें, हमें यहाँ पे करना है 2001। चलिए और एक तारीख ये हो गई। उसके बाद ईमेल आईडी हमें यहाँ पे देनी है, तो ये ईमेल आईडी आ गई। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, चलिए तो 98754, तो ये मैंने एक मोबाइल नंबर दे दिया, बस यही चीजें थी। अब यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों अब हमारे सामने एक ओटीपी, इन्होंने कहा है कि हमने आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा है, वो यहाँ पे नंबर डालिए। तो नंबर वो कहाँ आएगा, वो आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा। तो चलिए ईमेल आईडी पे हम जाते हैं और देखते हैं। हाँ देखिए इंडियन आर्मी ने अभी हमें दो मेल भेजी है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद देखता हूँ कि मुझे कौन सा कोड जो है वो आया हुआ है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये मेल आईडी ओपन नहीं हो रही है, चलिए ओपन हो गई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक मुझे ये जो ओटीपी आया है यही ओटीपी मुझे डालना है 92991। चलिए यहाँ पे तो ये आपकी ईमेल आईडी पे भी आएगा 92991, यही था ना शायद। हाँ चलिए मैं सबमिट करता हूं, अगर समझ आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछता है मैरिटल स्टेटस, तो अनमैरिड मतलब आप शादीशुदा हैं या नहीं, और हाइट पूछ रहा है तो चलिए एक हाइट हम यहाँ पे दे देते हैं कोई भी 166। उसके बाद पूछता है डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, तो मेरी जम्मू है और तहसील भी मेरी जम्मू है। एंड आफ्टर दैट ये मुझे पूछता है मेरी हाईएस्ट सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन कितनी है, तो यहाँ पे मैं 12वीं दे देता हूँ, चलिए ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैट्रिकुलेशन यहाँ पे मुझे पूछते हैं, तो देखिए अगर आपने बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड किसी से भी की है तो उसे कहते हैं स्टेट बोर्ड, क्योंकि स्टेट का नाम आ रहा है ना। तो अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से की है तो भैया केंद्रीय विद्यालय जैसे होते हैं तो वहां पे आप देंगे सीबीएसई, ठीक है। और अदर से किसी ने से की है तो वो अदर में आ जाएगा, जैसे कोई ओपन स्कूलिंग से होता है, ठीक है। तो चलिए ये स्टेट बोर्ड आ गया। उसके बाद मेरी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से ही मैंने ये की है, ठीक है, जिस स्टेट से की है वो बताना है। अब मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नंबर मांग रहे हैं, तो चलिए एक मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर देते हैं हम 6549871JK, कुछ इस तरह से मैंने दे दिया। तो ये आपको मार्कशीट के ऊपर मिलता है सर्टिफिकेट नंबर, 10th की जो मार्कशीट होती है उसके ऊपर मिल जाएगा, या डिप्लोमे का जो नंबर है वो दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें एक पासवर्ड देना है, चलिए मैं एक पासवर्ड यहाँ पे दे देता हूँ। ये पासवर्ड कैसे बनाते हैं, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले ये मैं कंप्लीट करूँ फॉर्म, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ताकि जो टाइम हमारा है वो बच जाए। चलिए हम सेव कर देते हैं। जब तक ये सेव होता है मैं आपको वापस यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो आपको पासवर्ड जो होता है ना कुछ इस तरह से रखना होता है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा गया है
रोहित @123, आर बड़ा है बाकी सारा कुछ छोटा है, @ है, हैश लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए और 123, इस तरह से आप कुछ अपना पासवर्ड रख सकते हैं। समझ आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं और अब देखिए ये मेरा प्रोफाइल बनके तैयार हो चुका है। अब देखिए लेकिन यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं यू आर एलिजिबल फॉर करंट प्रोफाइल, तो क्या करें यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज आपको क्लियर कर दूं, सारा कुछ एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कुछ भी गलत है तो ये देखिए यहाँ पे माई प्रोफाइल पे जाके, ठीक है, और फिर यहाँ पे अपडेट पे जाइएगा और अपडेट पे जाके ना जो चीजें आपको ठीक करनी होंगी वो कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका शायद सर्टिफिकेट नंबर ना चेंज हो, ठीक है, तो ये चीजें आप ठीक कर सकते हो, जैसे ये स्टेट वगैरह चेंज करनी है तो ये हो जाएगी स्कूल की, और यहाँ पे ये कोड डालिए और सबमिट कर दीजिएगा तो फिर देख लीजिएगा। तो कुछ भी गलत मत अप्लाई कीजिए। चलिए मैं अप्लाई ऑनलाइन पे वापस जाता हूं। कुछ लोग पूछते हैं क्या मोबाइल से अप्लाई हो जाता है, डेफिनेटली हो जाता है अगर आप करना चाहें। चलिए अब यहां पे देखो, मैं जम्मू एंड कश्मीर का एक लोकल बंदा हूं रहने वाला, तो लद्दाखी गोरखा फॉराम आंध्रपन निकोमन इजलैंड कैंडिडेट स्पोर्ट्स पर्सन सनह ब्रदर आर्मी पर्सनल ट्रिबल रिकॉग्नाइज ट्रिबल एरिया जो भी है वो बताइए। मैं लोकल हूं ना, लोकल बंदा हूं भाई, मैं नॉर्मल बंदा, तो मैंने लोकल पे क्लिक किया और चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक किया। अब देखिए यहां पे मुझे क्या हो रहा है, एप्लीकेशन नॉट ओपन, एप्लीकेशन नॉट ओपन, एप्लीकेशन नॉट ओपन का ऑप्शन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे देखिए मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया है गलती से, तो यहां पे मुझे फीमेल करना है, तो मैं माय प्रोफाइल पे जाता हूं और यहां पे अपडेट करता हूं, इसीलिए मुझे वहां पे ऑप्शन नहीं आया, ये गलती से हो गया। चलिए 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 मैं यहां पे फीमेल हूं। तो देखो मैंने ये आपको अपडेट करना भी यहाँ पे सिखा दिया, समझ आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप बोलोगे बार बार लाइक, तो देखो यार कोई चीज समझ आती है तो मन होता है ना लाइक का कि यार ठीक है बंदा सिखा के गया, तो वही चीजें हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तब भी लाइक किया करो, शेयर किया करो और मेरे फेसबुक पेज पे भी आओ, इंस्टाग्राम पे आओ, साजन भगतवान, अपनी क्यूरी अगर भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो। देखो यहाँ पे फीमेल हो गया और मैरिटल स्टेटस को मैं अपडेट करना भूल गया, चलिए मैं वो भी कर देता हूँ एक बार दोबारा से, यहाँ पे अनमैरिड, ठीक है। तो ये फॉर्म ठीक करना आपको यहाँ पे मैंने सिखा दिया। चलिए 8861223, चलिए। और एक बात बोलूं, लाइक करने से ना हमें मोटिवेशन मिलती है कि चलो यार हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, किसी को पसंद आ रहा है तो इसलिए यार बोलते हैं। बाकी आप सोचते हो अगर आपके लाइक का पैसा मिलता है तो यार एक रुपया भी नहीं मिलता हमें, ठीक है। चलिए माई अप्लाई ऑनलाइन पे मैंने क्लिक किया और इसके बाद देखिए यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे, अब मैं यहाँ पे लोकल सेलेक्ट करूंगा और एलिजिबिलिटी, ठीक है, आप भी लोकली सेलेक्ट कीजिएगा अगर नॉर्मल कैंडिडेट हैं। तो अब देख सकते हो मुझे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, काफी अच्छा लगा ना अप्लाई करने का ऑप्शन आ गया। तो आई होप आपको कोई भी क्यूरी होगी तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए अप्लाई पे हमने क्लिक किया, उसके बाद कुछ इस तरह से डिटेल आती है, रिलीजन क्या है मेरा, रिलीजन मेरा हिंदू है। चलिए सेवंथ क्लास, हाँ डोगरा हूं मैं, तो फिलहाल है डोगरा, तो ये रहा डोगरा, चलिए ये डोगरा हो गया। उसके बाद देखो आपको जो फोटो अपलोड करनी है 5 से 20 KB की करनी है, इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए मैं फोटो अपलोड करता हूं, तो ये कुछ मेरे पास फोटोज पड़ी हैं, इसका मैं साइज एक बार चेक कर लेता हूं कितना है, तो ये 19 से 20 KB है, KB की है। चलिए मैं इसको अपलोड करता हूं, हो गई। और 5 से 10 KB के साइन, चलिए एक पड़े हुए हैं साइन, ये भी मैं करता हूं अपलोड, ये भी हो गए। चलिए मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं, अगर प्रॉब्लम होगी ना तो ये आगे नहीं जाने देगा, मतलब अगर साइज बड़े छोटे होंगे तो ये आगे नहीं जाता है फॉर्म। चलिए ये ओके था इसलिए फॉर्म आगे चला गया। अब मेरे से कम्युनिकेशन एड्रेस पूछते हैं, तो चलिए मेरा हाउस नंबर 789 और एड्रेस, ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल सा एड्रेस यहाँ पे दे देता हूं, सतवारी जम्मू। आप प्लीज अपना कंप्लीट एड्रेस लिखिएगा, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे बता रहा हूं, आपकी लैंड नंबर जो भी है लिखो उसको कंप्लीट यहाँ पे बताओ, ठीक है। चलो और कैपिटल में लिखेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने स्मॉल में लिख दिया। चलिए और ये रहा जम्मू। अब देखो यहाँ पे विलेज बताना है, तो विलेज मेरा जम्मू ही आता है, सिटी मेरी जम्मू आती है और पिन कोड 180010 आता है। चलिए ये हुआ। और उसके बाद पोस्ट ऑफिस मेरा गंगियाल है, मैं इसको बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, ये हो गया। पुलिस स्टेशन मेरा जम्मू में आता है और टेलीग्राम ऑफिस मेरा गंगियाल है, ठीक है। तो देखो यहां पे मैंने टिक लगा दिया, क्यों, क्योंकि मेरा एक ही घर है, मैं वहीं पे रहता हूं। अगर आप अपने पापा के साथ कहीं और रह रहे हैं तो वो एड्रेस यहां पे दीजिए, ताकि ये आपको वहां पे कभी कांटेक्ट करना हो तो कर सकें, ठीक है। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं, इसके बाद देखते हैं क्या आता है। चलिए तो यहां पे आप देख सकते हो अगला डिटेल जो मुझसे पूछ रहे हैं, कहते हैं नॉन डिस्पेंसरी कैटेगरी कुछ समझ नहीं आया, तो भैया मैं इसको नो ही रखूंगा। स्पोर्ट्स मैं नहीं हूं, एनसीसी का सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, नन ऑफ द बिलो लद्दाखी लोकल्स में से मैं कुछ भी नहीं हूं, डू यू बिलोंग टू स्पेशल कैटेगरी सिलेक्ट, तो मैं किसी में भी नहीं हूं, नन ऑफ द बिलो, क्योंकि वहां पे तो लोकल्स जो था वो हमने कर दिया था, तो यहां पे हम नन ऑफ द बिलो ही करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू,
चलिए तो ये रिकॉर्ड सेव हो गया। और उसके बाद अब पूछते हैं आपने कौन सा कोर्स किया है, तो चलिए 10th पास हम दे देते हैं। और यहाँ पे क्योंकि आप जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन दोगे उतने ज्यादा मार्क्स आपको देने पड़ेंगे। स्टेट बोर्ड से की है और पूछते हैं किस ईयर में की थी आपने, तो हम दे देते हैं यहाँ पे 2002 में अगर जन्म हुआ, 3 साल उसमें लगा लेते हैं, तो नियर अराउंड 2018 हम यहाँ पे कर देते हैं कि भैया हमारी 2018 में 10th जो है वो हुई। ठीक है, चलिए 2018 हमने दे दिया। रोल नंबर हम दे देते हैं कोई 654123। सर्टिफिकेट नंबर मुझे वहां वाला भूल गया है, तो यहां पे मैं एक दे देता हूं 123654। चलिए ठीक है, तो इसको मैं ऐड कर देता हूं। ऐड करने के बाद आप लोग यहां पे देखेंगे क्या आता है, तो आप देखते हैं रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया। अब यहां पे मुझे जो है अपने मार्क्स ऐड करने हैं। चलिए इंग्लिश दे देता हूं और इंग्लिश में कितने नंबर आए वो मुझे यहां पे बताना है। ठीक है, तो मार्क्स ऑब्टेन कितने आए, 60 मार्क्स आए। चलिए कहां गया, ये आए मेरे 60। ठीक है, और कितने में से आए, तो ये आए थे 100 में से। और एड न्यू रो पे हम क्लिक करते हैं। चलिए ये एक मार्क्स जो है हमारे अभी एड हो रहे हैं। चलिए अभी हुए नहीं है, अभी हुए हैं। चलिए ये हो गए ना, अब नीचे आ जाते हैं और दूसरी जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो हम ले लेते हैं। इसमें भी हम ले लेंगे 80 मार्क्स, कितने में से, 100 में से। चलिए 80 और 100 में से और एड न्यू रो। ठीक है, चलिए तो आप ये यहां पे देख पाएंगे कि ये भी मेरे मार्क्स जो हैं अभी ऐड हो रहे हैं। चलिए होने देते हैं, तो ये मैं सारे आपको एक एक बार ऐड करके यहां पे दिखा देता हूं और उसके बाद आपको सबमिट करके दिखाता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहां पे नियर अराउंड मैंने सारी क्वालिफिकेशन यहां पे ऐड कर दी है अपनी, मतलब मार्क्स जो है, तो इस तरह से आपने ऐड करने हैं। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए, देखते हैं अब क्या होता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपना सवाल इंस्टाग्राम पे जरूर भेजें। तो इस तरह से पूरी डिटेल यहाँ पे बन जाएगी। फोटो यहाँ पे मैंने लड़के की लगा दी है, फॉर्म लड़की का भरा है। चलिए कोई बात नहीं, और इसके बाद सबमिट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। सॉरी, चलिए ये चीज हो गई। आफ्टर दैट देखिए समरी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, ये मुझे बता रहा है आप इसको प्रिंट लेना चाहें तो यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पे हमें आना है, देखना है कि कोई फॉर्म सबमिटेड हुआ है या नहीं। अगर यहाँ पे सबमिटेड आ रहा है जैसे मेरा है, तो इसका मतलब आपका सबमिट है। अगर नहीं हुआ तो भैया यहाँ पे ध्यान रखना, कैंसिल भी आएगा। स्टेटस देखना है, ओपन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सबमिटेड होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब एक चीज और कि एडमिट कार्ड कहाँ पे देखना है, तो ये देखिए साइड पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन है। जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना है यहीं से होना है। ठीक है, तो आपकी कोई भी क्यूरी, आपका कोई भी सवाल कमेंट जरूर करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको और भी हमारी बहुत सारी इंडियन आर्मी की वेबसाइट का, इंडियन आर्मी की जॉब्स का, ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हमारी इंडियन आर्मी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां क्लिक कीजिए। उसके बाद हमारी इंडियन आर्मी स्पेशल टॉपिक की प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसी लगी इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?